देखो लेते आते हैं दुकाना पांदा देखो की पांदा कोई पता नहीं है। हेलो हेलो एक्शन। एक उम्र का बेड़ा गड़क हो ला करके असी दे पई लुटे सी कारू तिना तिना महीने का अगे किराया साढ़े सिर चढ़िया बया मालक कहने खाली करो दुकाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा मोशन बची तो तुसी देख रहे हो सच्चाई वाले रंग। हुकूमत ने अज रात 12 बजे तो दुकाना बंद करने का फैसला किया है तो आवाम को जाके पूछने उन्होंने इन बारे की राय है। समझा कि नहीं समझा? लगते मेरे को गाना गाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र। अच्छा काम जी की सर? काम तो बहुत मंदे में जा रहा है और ये कह रहे हैं 12 बजे लॉकडाउन कर जाएंगे हम तो पहले ही तुसी कह रहे हो मंदा जा रहा है। हुकूमत ने आज रात 12 बजे तू जेडी दुकान है वो बंद करने का फैसला कर दिया तो उन्हें बाद ही खुलन गया तो की राय है इस बारे? सर यही हमारी राय है, हमने 2 लाख रुपए का माल डाला है, 4 स्टॉल है मेरे माशाल्लाह और हर तोल पे लाख लाख रुपए का माल बना हुआ है। मुझे अंडे वाला बर्गर जी। इन्हों का कहना सी कि इन्होंने 4 स्टॉल लाए ने ते उन्होंने लखा रुपया का समान लिया के रखा है जो बच्चों का समान सी जो ईद ते इन्हों का विकना सी हुण ईद दे लॉकडाउन की वजह तो इन्हों के सारे पैसे जाया हो जाएंगे ते इन्हों की ईद की जी कमाई वह भी रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? अल्लाह का करम है भाई। अच्छा हुकूमत ने अज रात 12 बजे तू जी पाबंदी ला दी है माल कीटा तो दुकाना से, इन बारे तुहाडा की ख्याल है? सवारियां की घट जाएंगी, तुहाडा कारोबार ते कोई असर होएगा? अगे कड़ा असर नहीं पिया, ये सारा कुछ गलत कर रहा है, सारा फिल्म कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कारोबार है को नहीं अगे, हुण फिर उही काम हो रहा है। इन्हें जरा बंद किया 12 बजे सुबह तो लैके हुण तक 200 रुपया फड़िया, चलान वाले टिकट नहीं देंदे। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। जी तुहानू पता है जिवें हुकूमत ने अज रात 12 बजे तो दुकाना तो माल कीटा बंद करने का फैसला लिया है, इस फैसले के बारे तुहाडी की राय? साड़ी ये राय है साड़िया दुकाना खुलनिया चाहिए, अं दिहाड़ीदार बंदे कितने जाइए, अभी दिहाड़ीदार काम करते हैं आके दिहाड़ी तो करते हैं, अज किराया कितों देना वा? तिना तिना महीनों का अगे किराया साढ़े सिर चढ़िया बया मालक कहते खाली करो दुकाना, अभी बच्चे निके निके कितों पालने हैं, मेहरबानी जानी करो इस गल। लोगों की तुम राय जानी तो मजीद लोगों को जाके राय लेने तो जाने उन्होंने मुतलक इस राय के बारे कि उन्होंने इस फैसले के बारे की राय है? सर देखें मार्केट आज बंद होनी है और आज आप रश देख लें और अगर यही मार्केट 4 दिन और खुल गई तो ऐसे होने इतनी आवाम है सर, कोरोना है इसलिए तो उन्होंने बंद की है शॉप्स। अज रात 12 बजे तो बाद दुकाना बंद करने का हुकूमत ने फैसला लिया है, इनके बारे थोड़ी की राय? भाई ने साडा तो बेड़ा गर्क होया पे है, ये हुकूमत का बेड़ा गर्क होवे ला करके, असी तो भाई लुटे से कारो काम वाले बंदे हैं, इतने मुलाजमी दिहाड़ी से लगी हुई है तो असं कितों कमाऊंगे, कितों घर जाना चीनी लैके जाऊंगे, मैं दसो भाई कि हालात होए पे है। तब्दीली ना नहीं रही, सारे दुकानदारों का कहना है कि असं मजदूर बंदे हैं रोजाना की बुनियाद से असं पैसे कमाव वाले हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाव वाले, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो असं आटा चावल दाल गरक किमें लैके जावे, इस सारे लोगों का कहना है तो मजीद आइए लोगों को जाने उन्होंने राय। भाई तैयारी करा पता लगा तो अचानक हूँ असं आए हैं, तैयारी हले आए ही हाँ बाजार से, पहले पता नहीं लगा हूँ पता लगा, हले एंट्री हुई है बाजार के पहली शॉपिंग कर लगे हैं। अच्छा शॉपिंग हो जाएगी सारी या कुछ रह जाएगा तो फिर की करोगे? देखो हले तो अद्धे दुकाना पाँदा देखो की पाँदा कोई पता नहीं है, दुकाना जेडे जितों असं चीज़ा लैनी सू बंद ही मिल रही, इसलिए असं रेहड़ी दे आगे खड़े हो गए। देखो जी सब तो पहले तो बाजार च रश बहुत ज़्यादा हैगा तो खरीदार उस हिसाब नहीं है, तो दूसरी गल हुकूमत ने कहा वा कि असी इन करना वा बंद, तो 5 दिन बाजार वैसे भी खुलता वा उदों तो कोई करोना नहीं होंदा, तो हुण 4 दिन पहले इन्हां नूं करोना याद आ गया। जब मैं छोटा होता था मैं जब छोटी होती थी। आज रात 12 बजे दुकानां बंद हो जाणगियां, इदों बाद ही खुलणगियां, इहदा कदों दा पता सी तुहानूं? ਇਹ ਸਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੈ ਲੈ ਕਪੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਬਸ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 5 ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, हर बंदा तो कहता 4 दिन का 6 दिन का लॉकडाउन लाता की फायदा है, कोई कोरोना नहीं है बस।
ड्रामा ही है कोरोना का। सहीवाल रंग की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।